हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमोर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय विंटर स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। 5 मिनट्स का ये ऑलमोस्ट वीडियो होगा। मैं फटाफट से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई रिमूव माय मेकअप एंड हाउ आई डू माय स्किन केयर एट नाइट टाइम। स्पेशली मैं स्किन केयर जो है वो नाइट टाइम में करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि तब आपकी स्किन जो है और भी ज़्यादा रेजुविनेट होती है अंदर से। सो यू शुड ट्राई दिस। सो अगर आप स्किन केयर करना पसंद करते हैं एंड आपको ये सारी चीजें ताम झाम नहीं लगती हैं, सो फटाफट से मैं अपने जो क्लॉथ्स हैं वो चेंज कर लेती हूँ, एक्सेसरीज रिमूव कर देती हूँ। सो हियर आई हैव माय स्किन केयर बास्केट। इसके अंदर मैंने अपने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट स्टोर करके रखे हैं, जो मैं ऊपर रखती हूँ सबसे ऊपर अपने ड्रॉर्स के, ताकि ये इजी टू यूज हो। मैंने इनको बहुत ज्यादा हैंडी कर दिया है। इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं नाइट टाइम में स्किन केयर में यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ वाइप्स। यहाँ पे हैं कॉटन पैड्स, इसमें से मैं एक कॉटन पैड ले रही हूँ। इसमें मैं लूंगी सबसे पहले मेरा मेकअप रिमूवर। हेयर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का मेकअप रिमूवर। ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है, आप इसको मिसेलर वाटर भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अपने कॉटन पैड पे ले रही हूँ एंड सबसे पहले मैं रिमूव करूंगी मेरा आई मेकअप, बिकॉज आई मेकअप बहुत ज्यादा होता है एंड आपको सबसे पहले वही रिमूव करना होगा। 3 सेकेंड स्टेप है ये, 1, 2, 3, आपको 3 काउंट करने तक इसे अपने आईज के ऊपर रखना है। जस्ट सिंपल एज दैट। एंड देन वाइप एवरीथिंग ऑफ। वन वाइप में ये ऑलमोस्ट हर आई मेकअप निकाल देता है। अगर आपने ग्लिटर्स भी लगाए तो वो भी इजीली वॉश ऑफ हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप निकल चुका है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी इसे अपने लिप्स पे। तो मैं इसको फिर से स्विच कर रही हूं एंड मैं अपने आई ब्राउज को कंप्लीटली क्लीन कर लूंगी। अगर आप ब्राउ पोमेड यूज कर रहे हैं या ब्राउ लाइनर यूज कर रहे हैं या ब्राउ पाउडर यूज कर रहे हैं, तीनों में ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मैं इस कॉटन पैड को पूरे अपने फेस पे क्लीन कर लूंगी। जो भी फाउंडेशन प्राइमर मैंने लगाया हुआ है बिफोर मेकअप, ये हर एक चीज को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। आई एम यूजिंग द स्क्रब, इसको डबल क्लिनजिंग मैथड बोलते हैं। अगर आप सेकेंड टाइम अपना स्किन क्लियर कर रहे हो या कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हो जो आपके स्किन को कम्प्लीटली वॉश ऑफ कर रहा है, आपके स्किन के ऊपर जो मेकअप है उसको कम्प्लीटली वॉश ऑफ कर रहा है, उसको आप डबल क्लिनजिंग मैथड बोलते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इसको मैंने रिसेंट परचेज किया है एंड मैं इसे थोड़ा सा ले लेती हूँ अपने लिप्स को स्क्रब करने के लिए, बिकॉज ठंड का सीजन है एंड अभी लिप्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद। सो मैं इसको थोड़ा सा ले रही हूँ मेरे फिंगर टिप पे एंड नाउ आई एम स्क्रबिंग माय लिप्स। माइल्ड इसने मेरे लिप्स को स्क्रब किया है एंड आई थिंक माउथ रीजन को भी बहुत अच्छे से इसने स्क्रब कर दिया है। मैं इसे वॉश करूंगी। नेक्स्ट आई एम टेकिंग माई अरोमा मैजिक का फेस वॉश। ये है टी ट्री फेस वॉश, मैंने इसे रिसेंट परचेज किया है एंड मैं इसे थोड़ा सा ले रही हूँ अपने पाम पे। मैं इसे वॉश करूंगी अपना फेस। ये है डबल क्लिनजिंग मैथड, यू हैव टू वॉश योर फेस प्रॉपरली आफ्टर रिमूविंग योर मेकअप। सो कम्प्लीटली मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है फ्रॉम दिस फेस वॉश। तो दो मेथड मेरा हो गया है, एक लिप स्क्रब एंड एक फेस वॉश। मैंने मिसेलर वाटर से क्लीन करने के बाद अपना फेस वॉश कर लिया है। नेक्स्ट आई एम डूइंग स्किन केयर नाउ। सबसे पहले मैं जो लूंगी वो है टोनर। मैं यहाँ यूज करी हूँ बायोटिक का टोनर। इसको मैं लूंगी थोड़ा सा अपने हाथ पे एंड देन मैं पैट पैट करके इसको अपनी कंप्लीट स्किन में एब्जॉर्व करने देती हूँ। एक से दो मिनट में ये स्किन में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ आई एम टेकिंग फेशियल सीरम, दिस इज फ्रॉम गुड वाइब्स एंड ये है आमंड फेशियल सीरम। ये एक ड्रॉपर में आता है इसलिए मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा हैंडी लगती है। मैं इसके फ्यू ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई करूंगी हेयर एंड देयर एंड इससे अपने फेस को अच्छे से मसाज करूंगी।
सीरम मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है. नाउ आई एम टेकिंग मॉइस्चराइजर. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का बॉडी मॉइस्चराइजर. ये एक बहुत अच्छा क्रीम है. मैं इसको अपने पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसे एक अच्छे गुड अमाउंट में अप्लाई करती हूँ. एट लास्ट मैं जो यूज कर रही हूँ वो है ये लिप बाम फ्रॉम बेबी लिप्स. इसके पहले मैं अप्लाई करती हूँ मेरा ब्लू हेवन का लिप बाम. सो ये था मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू लाइक माई वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दिस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सी यू नेक्स्ट टाइम.